अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो गैस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गैस, आज का जो जॉब अपडेट करूँगा ये मालदीव का है, ठीक है। और ये सारा वीज़ा जो मालदीव का है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क परमिट और वीज़ा सब रेडी है। और इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी चाहिए, सैलरी क्या होगा, ड्यूटी क्या होगा, वहाँ का सैलरी यूएसडी डॉलर में मिलता है, और कितना उम्र चाहिए, तो पासपोर्ट कौन सा चाहिए, ठीक है। ये सारा डिटेल मैंने बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग फॉरेन में जॉब करने के लिए जाना चाह रहे हो और मालदीव जाना चाह रहे हो, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा जॉब होने वाला है वीडियो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पहले अच्छे से देख लो, समझ लो कि क्या का क्या किस किस काम के लिए ये वैकेंसी है, और सैलरी क्या होगा, और कितने घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ पर, कितने दिन का प्रोसेस होगा, ये सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और उसके बाद में मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए किस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं मालदीव के जाने के लिए, कि जल्दी सिलेक्शन हो जाए, जल्दी मेरा काम हो जाए। तो अगर ये वीडियो पूरा आप लोग देख लेते हो, वॉच कर लेते हो, तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर नंबर लेके आपको आके फिर व्हाट्सअप पर पूछना नहीं रहेगा कि सैलरी क्या है, क्या काम है और कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज़ पूरे वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक देखोगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। वो हिसाब से जाके पहले डॉक्यूमेंट रेडी करो, उसके बाद जो नंबर आपको लास्ट में यहाँ पे दूंगा उस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। इस वीडियो का स्क्रीन शॉट लेना है और मैसेज करना है कि मैंने यहाँ पे ये जॉब देखा था, ये वीडियो शॉट वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, और इसके लिए मैंने यह डॉक्यूमेंट रेडी कर डाल रहा हूँ इस जॉब को प्रोसेस करने के लिए। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, देखा जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट जैसा बताया वो हिसाब से अगर आप भेजते हो, तो आपका जो खर्चा सर्विस चार्ज होगा जाने के लिए वो सारा बता दिया जाएगा। अगर आप ओके बोलते हो तो फिर आगे का प्रोसेस बताया जाएगा कि मेडिकल कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट कैसा जमा होगा। इसके अंदर ही जॉब को अप्लाई करने के लिए कोई एडवांस पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आपको डॉक्यूमेंट जमा होगा मेडिकल करके, उसके बाद में वीजा आएगा, वीजा को आपको सेंड किया जाएगा, उसके बाद आप चेक करो सारा चीज़ ओके लगे आपको, फिर पेमेंट करो, उसके बाद टिकट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को अगर चेक करना है कि मालदीव का वर्क परमिट वीज़ा कैसा आता है, तो ये जो चैनल का कम्युनिटी वाला पेज है इसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ हूँ। जो बंदे अभी जा रहे हैं और जा चुके हैं उनका वीज़ा, उनका टिकट कम्युनिटी वाले पेज में डाल दिया हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि वीज़ा कैसा होता है मालदीव का, ठीक है। तो वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। मालदीव के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है MTC, ठीक है, कंपनी का नाम है MTC। तो इसके अंदर हेल्पर का रिक्वायरमेंट है, जनरल हेल्पर। तो इसके अंदर उम्र जो है 20, आपके पासपोर्ट के हिसाब से 20 साल कंप्लीट होना चाहिए, और लास्ट 40 साल तक, क्योंकि गल्फ के अंदर अगर आप जाते हो तो आपका उम्र वर्क परमिट वीज़ा पे, यानी वर्क काम करने के लिए अगर वीज़ा पे जाते हो तो आपका उम्र पासपोर्ट के हिसाब से 21 कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ये जो मालदीव है, मालदीव में 20 साल अगर आपका कंप्लीट है तभी भी वीज़ा आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो पासपोर्ट के हिसाब से आपका 21 कंप्लीट हो और लास्ट 40 साल तक होना चाहिए। पासपोर्ट पर आपका मार्कशीट लगा है चाहे नहीं लगा है, मतलब बगैर मार्कशीट का भी बनाए हुए हो फिर भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, और आप कहीं से अगर रिटर्न भी हैं जब भी जा सकते हो, फ्रेश हो जब भी जा सकते हो। तो इसके अंदर 50 लड़के चाहिए मालदीव के लिए जनरल हेल्पर, और मालदीव में 8 घंटे का ड्यूटी होता है। ये जो ये कंपनी है गवर्नमेंटेड कंपनी बहुत अच्छी है। तो इसके अंदर जो ड्यूटी होगा 8 घंटे का होगा, 8 घंटे का $250 सैलरी है। वहाँ पे जो मालदीव का जो पैसे चलता है वहाँ पे जो भी सैलरी होता है वो डॉलर में देती है कंपनी। तो USD डॉलर, अगर आप लोग सोचते हो कि मतलब $250 जो सैलरी है मेरा इंडिया का कितना बनेगा, तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कि मतलब $100 इंडियन रुपीज़ करके, तो वहाँ पे करेंसी आ जाएगा कि $100 का कितना होता है। तो ये $250 सैलरी है, लमसम मेरे ख्याल से 25 हज़ार 20 से ऊपर ही है। $250 का मेरे ख्याल से 20,000-22,000 रुपया कुछ जाता है, प्लस तुमको 8 घंटे के बाद में आपको 2 से 3 घंटा तो मतलब 3 से 4 घंटा तो ड्यूटी ओवर टाइम करना ही करना है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी मतलब जो बंदा बाहर जा चुका है या जाने वाला है, और या उसके कोई रिलेशन वाला रहते हैं या इंडिया के अंदर ही काम करता है, तो जो कंपनी 8 घंटा ड्यूटी लेती है तो 8 घंटे के बाद में आराम से 3-4 घंटा ओवर टाइम कर सकते हो। बहुत से कंपनी क्या करती है, 12 घंटे का एग्रीमेंट करवा लेती है, 12 घंटे ड्यूटी करवाती है। तो 12 घंटा अगर आदमी ड्यूटी कर लेता है तो ओवर टाइम करने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है। 8 घंटे वाले में ओवर टाइम रहता ही है। और इस कंपनी में जो भी पहले जा चुके हैं लड़के, उनका फीडबैक भी अच्छा आया हुआ है, उनका फीडबैक का वीडियो मैंने बना के डाला हुआ चैनल पर, वो भी जाके चेक कर सकते हो।
तो इसके अंदर ओवर टाइम जो है 3 से 4 घंटा आराम से कर सकते हो, प्लस हफ्ते दिन आपको छुट्टी मिलेगा। फ्राइडे को वहाँ पे छुट्टी होता है, तो फ्राइडे दिन अगर आप काम करते हो जुमा के दिन, तो आपको अलग से इसका ओवर टाइम आता है, ठीक है। तो अगर आप ओवर टाइम करते हो तो 350-360 डॉलर तक आराम से सैलरी उठ जाता है, और खाना रहना और मेडिकल कार्ड इंश्योरेंस जो भी फैसिलिटी होती है ये सब आपको कंपनी देगी। 2 साल का ये एग्रीमेंट होगा, 2 साल के बाद आपको आने जाने का, छुट्टी आएंगे तो आने जाने का दोनों साइड का टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो हेल्पर है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई सा भी हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे का ड्यूटी, $250 सैलरी, प्लस खाना रहना रूम इकामा मेडिकल कार्ड इंश्योरेंस जो भी फैसिलिटी, तो सब कंपनी देगी, और हफ्ते दिन आपको छुट्टी होगा। और इसके अंदर अगर आप ये जॉब को अप्लाई करते हो, और इसके अंदर जो बंदे अभी पिछले वीक में जो गए हुए हैं, उनका टिकट और वीजा सारा मैंने कम्युनिटी वाले पेज में डाला हुआ हूँ, जो चैनल का कम्युनिटी वाला पेज है, जैसा चैनल का जो नाम आ रहा है, वीडियो खत्म हो तो नाम पे क्लिक करोगे तो चैनल का मेनू पेज खुलेगा। पेज में वहाँ पे देखो कम्युनिटी पेज एक आता है, वीडियो आता है, तो कम्युनिटी वाले पेज में जाओगे तो जो बंदे जा चुके हैं उनका वीजा कॉपी भी मैंने डाला हुआ, आप चेक कर सकते हो, टिकट भी डाला हुआ चेक कर सकते हो, और वो जाने के बाद में उनका वीडियो भी मैंने बना के डाला हुआ हूँ, लोग के पहुँचने के बाद में वीडियो भी दिए हुए हैं कि हाँ मतलब मैं आराम से पहुँच गया हूँ, काम कैसे कैसे क्या है, वो वीडियो भी मैंने पुराने वीडियो में जाके देख सकते हो, उसमें मैं डाला हुआ, ठीक। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हो इसके अंदर, तो इसमें पासपोर्ट आपका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, यानी पासपोर्ट का फर्स्ट पेज लास्ट पेज और वैक्सीन का रिपोर्ट और एक फोटो, ये 3 चीज़ चाहिए, स्कैन कॉपी। पहले आपको क्या करना है, फोटो बनाना है, पहले फोटोशॉप पे जाके HD फोटो कैमरा वाले के पास जाओ और उसको बोलो मेरे को बैक साइड वाइट फोटो बनाना है, तो 6-7 कॉपी आप फोटो बनवा लो बैकग्राउंड वाइट, और फोटो बनने के बाद में जब वो कॉपी निकाल के दे दे तो उसके कंप्यूटर के अंदर जो सेटअप हो जाता है ना, जैसे फोटो कैमरा से निकाल के कंप्यूटर में डाल के फिर सेट करते हैं, तब उसके बाद वो सेटअप जो है वो अपने फोन के अंदर डलवा लो, उसको बोलो भाई जो कंप्यूटर का सेटअप है डायरेक्ट मैंने मोबाइल में डाल के दे दो, वो डला लो, और उसके बाद अपना पासपोर्ट और वैक्सीन रिपोर्ट ले जाओ कोई कंप्यूटर के दुकान पर जहाँ फोटो कापी ओपी करते हैं, उनसे पासपोर्ट का फर्स्ट और लास्ट पेज स्कैन करा लो PDF में, और वैक्सीन का रिपोर्ट स्कैन करा लो, उसके बाद अपने फोन के अंदर डाल लो, और फोटो जो है अपने फोन के अंदर तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही है। फिर आपको यहाँ पे जो नंबर है नंबर पर आपको मैसेज करना है कि मालदीप में मैं हेल्पर का काम देखा हूँ, उसको मैं जाना चाह रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट डाल दो, आपका डॉक्यूमेंट आएगा सब ओके है तो आपको सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा, अगर आप एग्री हो तो आगे प्रोसेस हो जाएगा, फिर मेडिकल कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना है सारा चीज़ बताया जाएगा। ये जैसा डॉक्यूमेंट आप मेडिकल करा के जमा कर देते हो, उसके बाद से आप ये मान के चलो 20 से 25 दिन लगेगा अभी जाने में, ठीक है, उसके बाद में फ्लाइट लगेगा। अगर आप इस काम में जाना चाह रहे हो तो जैसे सब बोलो हो वो हिसाब से जाके पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, उसके बाद में आप कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। अगर कोई दूसरा जॉब सर्च कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नया जॉब अपडेट मिलने के लिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूँ, अच्छा जॉब लेके आता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक ये सब यूज करते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाले पेज में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो कि मतलब वहाँ से भी आपको जॉब अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो कैसे होगा लाइक करना, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक पर शेयर करना, बाकी अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, के लिए अल्लाह हाफिज़।